ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। देश में भी ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 500 करीब पहुंच गया है। ओमिक्रॉन से निपटने को संभल डीएम ने गाइडलाइन जारी की है, मगर किस तरह कोरोना गाइडलाइन का सरकारी अस्पताल में मजाक बनाया जा रहा है बताने को ये तस्वीरें काफ़ी हैं। डराने वाली ये तस्वीरें गुन्नौर CHC के पर्ची काउंटर की हैं, जहाँ मरीज और उनके तीमारदार पर्ची बनवाने को उमड़े हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं, किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। सोशल डिस्टेंस मास्क का उल्लंघन तक हो रहा है, जब सामने ही CHC प्रभारी मरीजों को देख रहे हैं। ना मरीजों के पास गाइडलाइन उल्लंघन का जवाब है और ना ही CHC प्रभारी के पास। क्या कहते हैं CHC प्रभारी और किस तरह बढ़ती जा रही है लापरवाही, देखिए पूरी रिपोर्ट में। क्या नाम है तुम्हारा? कल्याण। कहाँ आए हो भैया, कौन सी जगह पे हो आप? गुन्नौर। कौन सी जगह है? अस्पताल में। अस्पताल में क्या, क्यों आए हो? कुत्ता ने काट लिया बच्चे को। अच्छा, तो यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, भीड़ है, किसी पे मास्क नहीं है, कोई परेशानी हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई आपको टोंक नहीं रहा, बता नहीं अस्पताल वाला का, ऐसा खड़े मत मत हो? किसी ने बोला है आपको भी नहीं पता मास्क का? सर ये समझता है ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल रहा है, गवर्नमेंट भी तैयारी में है, इससे निपटा जाए, जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर आदेश दिया है मास्क, सोशल डिस्टेंस वगैरह, मगर आपकी CHC में एक ऐसा मामला है, यहाँ पर जो पर्ची काउंटर है यहाँ पर एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ी हुई है, किसी पर मास्क नहीं है, क्या है मामला? ये मामला तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमने तो यहाँ पे ग्राउंड सर्कल भी बना रखे हैं कि डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं अपना जी। उसके बावजूद भीड़ किस तरह से जुट रही है, ये क्यों नहीं रोका जा रहा है? भीड़ के जो पेशेंट जो आते हैं मानते नहीं है, एक ऊपर चढ़े जाते हैं, करा रहे हैं व्यवस्था गोले और बनवा के, उनको सही सामाजिक दूरी पर इनको खड़ा किया जाएगा।